मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ आपकी कैसे आती है? आपके बोलेंगे ना भाई, हमारी हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही सर? मेरा नाम दविंदर पाल सिंह, मैं PHE डिपार्टमेंट मैकेनिकल रूल से बिलोंग करता हूँ। मैं आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर जो फ्रंट हमारा बना हुआ है, हमने आज 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल रखी थी। ये जो बेरी सरकार BJP की, आज से 3 महीने पहले हमारा सब प्रॉमिस किया गया था कि आप लोग जम्मू प्रोविंस के अंदर रोडों में नहीं आएंगे, 15 अगस्त आ रहा है। हमने कहा था ठीक है, हम आपके वादा पूरा निभाएंगे। आपके माध्यम से आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, 15 अगस्त चला गया, हमारी पॉलिसी कहाँ है? ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर की पॉलिसी कहाँ पे है? आप लोग कहते हो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे मोदी जी? हमें सैलरी नहीं दी जा रही, हमें पॉलिसी नहीं दी जा रही, हमें चाहिए पॉलिसी। हमारी दो डिमांड है, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। हमारा जो SRO बना हुआ 520, उसको जो इम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, इनको आज पार्टी अध्यक्ष शर्मिंदा रैना जी, जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि मैं दिल्ली जाकर आपकी बात रखूंगा, आज मैं इनको याद करवाने आया हूँ, इनको मैं याद करवाने आया हूँ। कहाँ गया वादा, कहाँ गए आपके वादे? 370 तोड़ा, यहाँ पे ढोल बजे, हमें क्या मिला? इसलिए आपके माध्यम से हम LG प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, जम्मू प्रोविंस के अंदर ये डेली वेजर अब बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर सैलरी नहीं तो काम नहीं। आज आप भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं, क्या जो भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना या कोई भाजपा कार्यकर्ता जो बड़े बड़े लीडर्स हैं भाजपा के, वो आपके पास यहाँ पर आए? देखिए, अंदर से जैसा मैसेज आ रहा है कि रविंदर रैना जी रजौरी गए हुए हैं, कविंदर गुप्ता जी अंदर बैठे हुए हैं AC लगाकर, उनको मेरे ख्याल दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग बाहर क्यों तड़प रहे हैं। अगर आपका पार्टी ऑफिस है, आपका फर्ज बनता है हमसे बात करनी। जब आप वोट लेते हो तब क्या आप हमारे घर नहीं आते? अगर आज हमारा काम है आपको क्या तकलीफ है? आपके माध्यम से क्लियर कट संदेश है, अगर आपने हमारी पॉलिसी नहीं लाई, आने वाले दिनों में जम्मू प्रोविंस के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष होगा, उसका जिम्मेदार LG प्रशासन होगा। आपको एक बार फिर से कविंदर गुप्ता जी ने आश्वासन दिया है, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के भाजपा से, क्या लगता है आपको, आश्वासन ही है या कुछ होगा? देखिए, आश्वासन हमने आपको बोला, जो 2 साल पहले इसी जगह पे ऑफिस के बाहर घेराव किया गया था, तब भी आश्वासन दिया गया था और बोला गया था कि अगर आपका मसला हल नहीं होगा हम आपके साथ दरियों में बैठेंगे और रोडों पे बैठेंगे। और दूसरी बात यह कि हमने आज इनको पूछने आए थे ये कहाँ पर है, हम इनको पूछने आए थे अगर 370 तोड़ा गया है 2019 में मिनिमम वेज एक्ट कहाँ है, अगर PDP BJP ने पॉलिसी दिया जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 487 लोगों को जो है रेगुलर किया गया है, बाकी लोगों की फाइलों को क्यों बंद किया गया? ऐसा क्या ऐसा चल रहा है दिल्ली में, जब दिल्ली के लिए खजाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खजाने बंद है, जे कुछ नहीं मांगते, जे कोई टिकट नहीं मांग रहे, जे इधर कुछ अपने लिए नहीं आए, जे सिर्फ एक इंसानियत के अपने भूख के लिए आए हैं। इन्होंने 3 जनरेशन जो खत्म कर चुके हैं, माँ बाप खत्म कर दिए, बच्चे खत्म कर दिया, एजुकेशन में जो बेसिक फैसिलिटीयां नहीं दी जा रही है, आज उनको पूछना है, इसके लिए कविंदर गुप्ता जी खुद आकर इधर जवाब देना चाहिए। आज की इस हड़ताल में बैठे हुए मेरे सभी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपका एक डेपुटेशन हम सबसे मिला है, हम उसके लिए बैठे थे। नंबर एक, आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, हम भी आपके साथ उस बात के लिए खड़े हैं। और अगर बाकी स्टेट्स में इस प्रकार की सारी व्यवस्था है तो जल्द ही हम अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे कि लगातार हमारे लोगों में जो रोष बढ़ता जा रहा है। और आज ये भी सच है
कि आप ये जो डिपार्टमेंट्स आपकी वजह से चल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्द अभी मैं सभी की जो दिक्कतें हैं, सभी की जो व्यथा है, सभी का जो दुख है, और वाकई में आज के हालात में 6,250 के रुपए के साथ कुछ नहीं बनता है जिस प्रकार से आप लोग काम करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये कहने आया हूं, मैंने डिटेल में एक एक चीज को समझा है और अपने साथ कागज में लिखा भी है। जल्द ही इस चीज को लेकर के केंद्र की अपनी लीडरशिप के साथ, अगर बाकी स्टेटों में ये हो सकता है तो यहाँ भी धारा 370 टूटने के बाद ये चीज़ें होने चाहिए। जो बताया गया कितनी फाइलें हमारी लगी हैं, ठीक है सरकारों को दिक्कतें रहती हैं, फाइनेंस की दिक्कतें रहती हैं, नंबर एक तो ये जो पे है वो टाइमली मिलनी चाहिए, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है क्योंकि काम के आधार पर उसके पैसे मिलते हैं। नंबर दो, फेज मैनर में चाहे करें, जो मुझे बताया गया कि 1996 से लेकर के 1994 से लेकर के 2013 तक जो भर्ती के लोग हैं वही इस सब में हैं और सभी डिपार्टमेंट्स में हैं। 15 लाख से 15 लाख, ये चलो 1-8 साल का फर्क हो सकता है, मुझे उसके बारे में, और उस इस सारे ये 20-22 साल में किस प्रकार से कंसीडर करें, हम बात करके आपको बताएंगे भी। बाकी सरकार के अपने सामने अपनी मांग रखना अच्छी बात है और रखनी भी चाहिए। आपकी डिमांड, मैं द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। हमारे भी नेता यहाँ पर आकर के यहाँ की जो सरकार है, क्योंकि पैसा सेंटर से आता है, और इस चीज़ को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपने किसी ने एक आध कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप क्या चाहते हो कि हम सेंटर से बात करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुचुटला में विधायक है, इनकी सैलरी महीने महीने कैसे आती है? भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपकी आनी चाहिए। आपकी कैसे आती है सर? विधायकों की सैलरी कैसे आती है? मिनिस्टर की सैलरी कैसे आती है? डेली बेसिस दिन रात काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए। सर इनका कहना है कि देखो मैं सैलरी रिलीज नहीं करता हूँ, नंबर एक इस बात की। देखो सर पार्टी अध्यक्ष और अरविंद राणा जी, आप मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ, अरविंद राणा जी पार्टी अध्यक्ष, आप यहाँ के नुमाइंदे हो? हाँ बिल्कुल नुमाइंदा हूँ। हाँ मेरा प्रश्न, तभी आपकी बात सुनने आया। वेलकम करते हैं, मैं आपसे मेरा प्रश्न है कि जब डेली बेसिस की बारी आती है तो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर वो कहते हैं पैसा नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए, मैं बिल्कुल ये इसके लिए बात करूंगा। हमें चाहिए रोटी, 70 महीने की सैलरी पेंडिंग है इनकी अभी। देखिए रविंद्र जी, एक आखिरी आपसे सवाल है कि लगातार जो है हर डिपार्टमेंट को आश्वासन दिया जाता है, समस्या का समाधान कोई नहीं करेगा। देखिए देखिए सर, होम मिनिस्टर साहब जब जा रहे थे उन्होंने, देखिए मुझे इनको जवाब देने दो, इनसे बात करने दो ना, जिनके साथ मैं बात करने आया हूँ। मैं आपको बता दूंगा जो बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करते रहिए, ठीक है ना। देखिए मैं वादा नहीं करता किसी के साथ, वादे झूठे हो जाते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं, कोशिश करेंगे और कोशिश करके आपकी मांगों की हल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। वादे झूठे होते हैं, वादे नहीं करता मैं। सर एक छोटा सा बात, इनकी जो सैलरी है सबसे मेन इशू, क्योंकि 2-2 महीने से नहीं मिली है, बस उसका आप कुछ ना कुछ इनके सामने कर दीजिए, क्योंकि इनके बच्चे की फीस नहीं गई है। मैं अखबार के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ कि सरकार इस चीज को समझे। ये जो हमारे लोग डिपार्टमेंट चला रहे हैं उनकी टाइमली सैलरी आनी चाहिए। जो 7,000-6,000 पर ये घर कैसे चलाते होंगे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, जो कि यहाँ ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर इतनी फाइलें हैं उनको आगे पहुँचाइए, आगे की बात हम करेंगे। सर एक सवाल।